हेलो माय शिमरिंग स्टार, आई एम अमिका दहिया। वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी। आवर टुडेस टॉपिक इज कॉन्फ्रेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। दिस वन इज द चैप्टर 15 ऑफ आर डीएलएड फर्स्ट ईयर बुक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या यूज करते हैं अगर हम एक बच्चे को इंक्लूसिव क्लासरूम तक लेके आते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जो लोगों को अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग प्लेस पे बैठे हुए भी एक जगह लेके आता है। किसी टॉपिक पर डिस्कशन का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने इश्यूज को डिस्कस कर सकते हो। सो एजुकेशनल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज अ यूज ऑफ मल्टी मीडिया ऑफ डिस्टेंस। इट प्रमोट्स द इंटरेक्टिवनेस इन द प्रोसीजर एंड जो टीचर्स है या एक्सपर्ट हैं क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट से डायरेक्ट इमीडिएट फीडबैक गेन कर सकते हैं, डायरेक्ट फीडबैक गेन कर सकते हैं। और जो टीचर्स हैं, जो अपने फेलो लर्नर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कई बार बेटा क्या होता है, बच्चे जो हैं उस लोकेशन पे नहीं पहुंच पाते, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे। सो वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी टू इंटरेक्ट विद देम। सो वी कैन डिफाइन एज अ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज अ काइंड ऑफ व्हाट इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन विच वी आर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स विच आर डिस्टेंट फ्रॉम अस एंड दे आर लर्निंग एंड गिविंग द इमीडिएट फीडबैक डायरेक्टली। टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की बात करूँ तो ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जिसके अंदर आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ऑरल कम्युनिकेशन में आप बात कर रहे हो, जैसे टेलीफोन पे बात होती है वैसे ही हमारी टेलीफोनिक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके अंदर आप में आपकी वीडियो को भी कंबाइन कर दिया जाता है फॉर कम्युनिकेटिंग और इंटरेक्टिंग, तो वो हमारा वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाएगा। एडवांटेजेस की बात करूं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रही हूँ। विजुअल कॉम्पिटेंट, यहाँ पे लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, तो विजुअली भी दे कैन इमेजिन की व्हाट इज द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन। इसके बाद है क्वालिटेटिव, अच्छा इंटरेक्शन रहता है, क्वालिटी बढ़ती है, एक दूसरे को फीलिंग को समझते हैं, एक्सप्रेशन वी कैन सी कि क्या कर रहे हैं, सो वी कैन वॉच दैट पर्सन हु इज एक्सप्रेसिंग देयर थिंग्स। कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये भी हमारे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर आपको एक कंप्यूटर चाहिएगा जो हमारी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। मेरिट्स की बात करूँ तो क्या है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन आपको क्वालिटी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे और मटेरियल भी आपको साथ साथ प्रोवाइड हो जाएगा। यूजफुल है बच्चों का, या तो हायर पॉपुलेशन हो गई है बच्चों की तब उसके लिए भी यूजफुल है, और उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जो अपने इंस्टीट्यूशन से या कम्युनिकेशन से काफ़ी दूर बैठे हैं, कम्युनिकेशन एरिया से। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन वो कर सकते हैं, स्मॉल ग्रुप के साथ भी कर सकते हो, लार्ज ग्रुप के साथ भी कर सकते हो। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द सेमिनार टाइप, जैसे सेमिनार होता है बट उसमें आमने सामने होते हैं, यहाँ पे आप घर बैठे भी चीजें कर पा रहे हो। कॉस्ट या स्टार्टिंग ऑपरेटर्स की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की इतनी ज्यादा नहीं है, वी जस्ट नीड अ काइंड ऑफ क्या मेथड के लिए हमारे पास एक चैनल होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए, वो हमारा स्मार्टफोन भी हो सकता है। लिमिटेशन की बात करूँ तो कॉस्टली है उनके लिए जो टेलीफोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये इट इज रिक्वायर अ ह्यूज एंड वेरी एफिशिएंट नेटवर्क। आपको एक अच्छा नेटवर्क चाहिएगा, नहीं तो आपने देखा होगा कि आपकी वीडियो ब्रेक होती रहती है बार बार। दे आर वेरी हाई चांसेस टू टेक्निकल ब्रेकडाउन, कई बार टेक्निकल ब्रेकडाउन हो जाता है, या फिर चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं ब्रेकडाउन के, या फिर ये हो सकता है कि आपके जो कोड्स हैं या चीजें हैं वो लीक हो सकती हैं। इसके बाद आता है हमारा वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ये हमारा मॉडर्नाइज कॉन्फ्रेंसिंग है, ये कंप्यूटर बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ये भी आपकी क्या करती है, आपको एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एज अ पार्टिसिपेंट चीजें फोन पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठे बैठे सीख सको, सुन सको, एंड आपको ड्राइंग टूल भी मिलती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा एडवांस है, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है वो ड्रॉ कर सकता है, व्हाइट बोर्ड होता है हमारे पास, इलस्ट्रेशन के पॉइंट्स होते हैं, तो वो हम, जैसे मैं पीपीटी से आपके बात कर रही हूँ ना, ये हमारा वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, बस मैं आपके साथ लाइव नहीं जुड़ी। यू कैन इवन अलाउ द पार्टिसिपेंट्स टू ऐड कमेंट्स, यहाँ पे कमेंट ऐड हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन हो सकती है, बिना हैजल बिना किसी ट्रबल के आप जो है अपनी कॉन्फ्रेंसिंग का स्पॉट अपने घर पे बैठे बैठे बना सकते हो। वेब पेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले वेब कॉन्फ्रेंसिंग में आपको एक वेब पेज भी जरूरत पड़ेगी जिसमें आपकी थीम या सब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी, जिसी उस वेब पेजेस के अकॉर्डिंगली ही आप डिस्कशन कर सकते हो, एंड यू कैन पार्टिसिपेट विद ईच अदर। और इस वेब कॉन्फ्रेंसिंग में आप पिक्चर, ग्राफ, स्लाइड ये ऐड करा सकते हो। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से थोड़ा डिफरेंट है कि आप यहाँ पे पीपीटी वगैरह भी बना पाएंगे। एडवांटेजेस की बात करूं, टाइम बचेगा, मनी बचेगी, एनर्जी बचेगी, और दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके अंदर आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने प्लान को, एंड इट
इट ऑल्सो हेल्प द टीचर्स टू गेटिंग अप टू डेट, जिसमें आप बच्चों को अप टू डेट रख सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से शेयर कर सकते हो, और एक प्रकार का स्टिमुलेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा. चांसेस जो है हमारे वेस्टेज ऑफ टाइम के रिड्यूस हो जाएंगे. ये एक ऐसा सोर्स है जिसमें आप फेस टू फेस ना होते हुए भी फेस टू फेस स्टिमुलेशन कर पा रहे हैं. जो मेंबर हैं सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रीली एंड इक्वली, सबका पार्टिसिपेशन रहेगा एंड फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग ही रहेगी हमारी. इसके बाद इट इज अ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल थ्रू द ऑडियो प्लस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जिसके अंदर हमारा ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है. इसके साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, पिक्चर, ग्राफ्स वी कैन ऐड. आप अपनी पेस, अपने इंटरेस्ट के साथ ये चीजें कर सकते हो. सेवेंथ एट मेड पॉसिबल अ यूनिक कोलैबोरेशन. एक अच्छा कोलैबोरेशन कर पाएंगे किसके साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, टीचर्स के साथ, और इनरिच कर पाएंगे बच्चों की थर्स्ट ऑफ नॉलेज. हम इनरिच कर पाएंगे, इवन वी कैन शेयर द नॉलेज विद द एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन. इसके बाद आती है हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग जिसके अंदर हमारा वीडियो डाटा, हमारा ऑडियो डाटा और हमारा टेक्स्ट डाटा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक पर्सन के पास या तो हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, वीडियो कार्ड होना चाहिए, या वेबकैम होना चाहिए, माइक्रोफोन और स्पीकर्स होने चाहिए जिससे वो चीजों को सुन पाए, देख पाए और क्या कर पाए, कैप्चर भी कर पाए. दिस डाटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट टू द अदर, इसमें भी इंटरनेट यूज होगा, एंड ISDN लाइंस और द ब्रॉडबैंड जो है यूज होंगे हमारी स्मूथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए. जैसे एग्जांपल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज टीवी न्यूज चैनल रिपोर्टर जो है लाइव रिपोर्ट कर रहे होते हैं कहीं से, तो वो हमारा लाइव रिपोर्टिंग ही हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पार्ट है. देन आते हैं हमारे अडेप्टेड एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम. ये टोटली उन बच्चों के लिए है जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं. तो हमारी अडेप्टिव चीजें वो होती हैं जो बच्चों ने ले ली है, यूज कर ली है, कि वो जिस डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं उसे दूर रह पाए. और असिस्टिव जो उन बच्चों को असिस करने का काम करे, असिस करने का मतलब यहाँ पे मूल्यांकन करना नहीं बता रही हूँ, एक्सेसिबल बनाने का, पार्टिसिपेशन इंक्रीज कराने का. सो इंक्लूजन आपको आई थिंक अब तक समझ आ गया होगा कि हर एक बच्चे को विदाउट एनी डिसेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन अपने कक्षा कक्ष तक लेके आना हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है, जिसमें बच्चे की हर एक नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें फुलफिल करने की कोशिश की जाती है, सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, और टीचर्स भी हर एक बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ असिस्टिव डिवाइस की. तो देखो बहुत सारे वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल नीड ऑफ चाइल्ड. लाइक हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हियरिंग लॉस हो रखा है, ऑर्थोपेडिकली या फिजिकली कोई इम्बैलेंस है बच्चों का, इमोशनली बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते, आईक्यू लेवल कम है, तो हम उनके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, असिस्टिव डिवाइस यूज कर सकते हैं. सो द डिवाइस विच असिस्ट द डिसेबल्ड चाइल्ड टू गेटिंग एजुकेशन एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम द लर्निंग प्रोग्राम ऑप्टिमली, मतलब ये एक ऐसा उपकरण है जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने में उनके अच्छे ज्यादा लाभ उठा सकें, वो हमारे यूज करते हैं. जैसे जिन बच्चों को विजुअली कोई प्रॉब्लम है तो वो स्पैक्स यूज कर सकते हैं. हियरिंग की कुछ है तो वो आपने देखा होगा कि हियरिंग एड यहाँ कान में लगा के रखते हैं. जिनको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता तो ब्रेली यूज करते हैं, एबकस यूज करते हैं, आर्टिफिशियल कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं. तो ऐसे इक्विपमेंट या ऐसे डिवाइसेस जो बच्चे को असिस्ट कर रहे हैं टू गेन द नॉलेज एंड टू गेन द बेनिफिट ऑफ द एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग, वो हमारे असिस्टिव डिवाइस कहलाएंगे. इसके बाद आते हैं सपोर्टिव और अडेप्टिव डिवाइसेस, हमारी अनुकूल और सहायक उपकरण. These are the devices which consist of adding equipment facilities with the support of disabled child to make their activity easy. यहाँ पे barriers को remove करने की कोशिश की जाती है. जो hurdles और environment ने बनाए हैं उनके यहाँ पे goal है कि आपके hurdles को remove करना, और ये हमारे environment से relate करके करते हैं. जैसे a rod fixer near water cooler in the toilet to make the handicapped child to comfortable to execute the cooler activity. मतलब या रॉड सिस्टम हो या फिर कोई इक्विपमेंट बच्चों के पास रखा हो कि वो पानी तक इजीली पहुंच पाए, कोई हेल्पिंग हैंड हो उनके पास, तो ये हमारे असिस्टिव डिवाइस कहलाएंगी. क्लासरूम को ऐसे मॉडिफाई कर दिया गया हो कि जो ब्लैक बोर्ड है उसके पास भी रैम्प्स बना दिए, जैसे ये रैम्प्स हो गया, दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग द हर्डल्स ऑफ आर एनवायरमेंट. रैम्प बना दिए गए हैं और हैंडीकैप बच्चों को थोड़ा कम्फर्ट में लाने के लिए उन्हें स्पेशल चेयर भी प्रोवाइड की जा सकती है. यूज क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मतलब हम यह यूजेस भी देखेंगे और कौन कौन से असिस्टिव डिवाइसेस हम ले सकते हैं. मैग्नीफाइंग ग्लासेस किस लिए यूज होते हैं, बच्चों को मैग्नीफाई करके दिखाने के लिए. क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन यूज करते हैं. लार्ज प्रिंट मटेरियल, ब्रेली,
कौन से बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, उन बच्चों की जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ब्रेली स्टेल और स्टाइलस। स्टाइलस भी हमारे पास एक प्रकार का स्लेट है जिसके अंदर उभरे हुए अक्षर होते हैं, टॉकिंग कैलकुलेटर जिससे वो बात करके चीजें सॉल्व करा सकते हैं, ब्रेली शीट्स हो सकते हैं, विजुअल डिस्प्लेशन हो सकता है, मतलब लार्ज कंप्यूटर के ऊपर आपको दिखाना है, स्क्रीन भी मैग्निफाइंग होंगी, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन हो सकती है, विजुअल डिस्प्ले हो सकता है और स्पेशल इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड हियरिंग एड्स, जो बच्चों, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जो बच्चों के कानों में लगी रहते हैं, जो साउंड की प्रोबेबिलिटी को या साउंड की पिच को हाई करते हैं और साउंड को ज्यादा हियरेबल बनाते हैं, फोनिक ईयर, वैक्यूम ट्यूब्स लगती हैं, साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, कंबाइंड फॉर्म ऑफ टेलीफोन, टाइपराइटर, कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन वगैरह यूज कर सकते हैं, टाइपराइटर जिससे बच्चे ना बहुत बार आपके लिपसिंग का भी प्रयोग करते हैं, नंबर ऑफ वीडियो टेप, जो बच्चे सुन नहीं पाते उन्हें चीजें ज्यादा से ज्यादा दिखाओ इसके बाद, और जो देख नहीं पाते उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनाने की कोशिश करो। ऑर्थोपेडिक बच्चे क्या होते हैं, जो अपनी बॉडी की वजह से किसी भी कारण से वो उतना मूव नहीं कर पाते, फिजिकली एक्टिव नहीं होते, तो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट में जैसे फर्नीचर को हम सेट कर सकते हैं, रीडी राइटिंग के पर्पस के लिए पेन होल्डर हो सकता है उनके पास, जैसे आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक पेन के रहते हैं जिनके हाथ से ग्रिप ज्यादा से बनती है, क्रचेस, व्हीलचेयर, ब्रेसेस लगा सकते हैं। एंड चाइल्ड हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ पुअर हैंड कोऑर्डिनेशन मे बी हेल्प बाय द पेपर डेस्क, मतलब ऐसा टेपिंग पेपर डेस्क ले सकते हैं जिसकी वजह से आप क्रेयॉन्स वगैरह चीजें रख सकते हो और वो फ्लोर पे नहीं आएंगी। यूजफुल फॉर द स्पीच इम्पेयरमेंट, जिन बच्चों को स्पीच इम्पेयरमेंट है उनको थेरेपिस्ट के पास ले जा सकते हैं, जिससे भी बच्चों की थेरेपी, पैथोलॉजिस्ट या रूल या आर्बिट्रेरी सिंबल बना सकते हैं, कि उन्हें जरूरी नहीं है कि साउंड ही यूज करके बात करनी है एक दूसरे से, वो उन सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, सिंटैक्स और सिनेमैटिक्स वी कैन यूज, हियरिंग एड्स का प्रयोग करा सकते हैं, यूज ऑफ ग्रिडल, स्लिंग्स, ब्रेसेस हेल्पफुल टू फैसिलिटेट। हम क्या कर सकते हैं, ग्रिडल्स ऐसे कमरबंद होते हैं ना जो बच्चों की कमर पे अटैच हो जाते हैं, जिनको क्या किया जाता है, बार बार बोल के चीजें बताई जा सकती हैं। लर्निंग मटीरियल सच एज पिक्चर, व्हाइट बोर्ड ये ले सकते हैं, ऑडियो कैसेट वी आर ऑल्सो यूज दैम। डिवाइसेज हेल्प फॉर द चिल्ड्रन लर्निंग डिसेबिलिटी, जो बहुत कम यूज करते हैं, मतलब जिनकी आई क्यू लेवल कम है, कैसेट एंड टेप्स, ऐसे टेप रिकॉर्डर के अंदर उन्हें फीड करके दे दिया जाता है डाटा कि वो बार 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 50 बार 100 बार सुन लें। बेसिक टूल्स ऑफ लैंग्वेज ऐसी चीजें यूज की जाएंगी जो सिंपल लैंग्वेज की, ऑडियो विजुअल टेप्स मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल एग्जाम्पल ऐसे दिखाए जाएंगे जिसमें डे टू डे लाइफ की चीजें यूज करके दिखाई गई हों, गेम्स मटेरियल करा सकते हैं, ब्लॉक्स डिफरेंट शेप के, स्क्रैप पिक्चर्स, क्ले मॉडलिंग, क्विजेस करा सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वी कैन यूज। तो ये ऐसे बच्चों के लिए जिनकी आईक्यू लेवल कम है, हम बच्चों के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। फिर आते हैं हमारे वो बच्चे जो हमारे इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड के साथ साथ सेरेब्रल पाल्सी भी है, सेरेब्रल पाल्सी को बोला जाता है बेटा हिंदी में भी सेरेब्रल पाल्सी ही बोला जाता है। कैलेंडर विद द नोटिफिकेशन ऑफ मंथ, डेट एंड डेज, बच्चे को ऐसा कैलेंडर देंगे जिसकी मंथ, डेट्स या डेज मेंशन होंगी, मटेरियल ऑफ यूजिंग सेंस मोडेलिटी एंड हैविंग एडिक्वेट अडैप्शन, और ऐसे मेथड यूज कराएंगे जिसमें बच्चा अडैप्ट कर पाए, डिफरेंट मटेरियल, कॉन्क्रीट फॉर्म दी जाएंगी और ऑर्थोरेटिक्स कास्ट एंड स्प्लिंट्स ये प्रोवाइड किए जाएंगे, ये भी हमारी असिस्टिव डिवाइसेस हैं। सिटिंग एड जिसमें बच्चे ठीक पोस्चर के साथ बैठ पाए, एंड टीचर कीबोर्ड, की राइटर और वर्ड प्रोसेसर वी कैन यूज फॉर दैट चाइल्ड। तो सपोर्टिव डिवाइस, अडैप्टिव डिवाइस, अब ऐसी डिवाइसेस जो क्या करते हैं बच्चे को मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल करने का मतलब मूवमेंट में हेल्प करती हैं कि वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के मूव कर सके। लेजर कैन फॉर द ब्लाइंड एंड एड, लेजर पैटर्न हो सकता है जो तुमने थोड़ा थोड़ा नजर आ सकता है, उनमें चलाना सिखा सकते हैं, क्रचेस, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, ब्रेसेस ये लगवा सकते हैं जो बच्चे हैंडीकैप हैं, के वॉकर और चेयर जो व्हीलचेयर्स होती हैं हमारी, उसके बाद रैंप बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेयर केस, और रीअरेंजमेंट कर सकते हैं डेस्क की कि वो बच्चे आसानी से उस डेस्क तक पहुंच पाए, फर्नीचर को मॉडिफाई किया जा सकता है कि जिसमें बच्चे को सिटिंग की कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी एज अ बैरियर ना बने, रबर मैट वगैरह बिछवा सकते हैं कि बच्चे स्लिप आउट ना करें, फिक्सेशन कर सकते हैं, हेयर बार बाय द साइड ऑफ द वाटर कूलर, हैंड बार बना दे जिसमें बच्चा टॉयलेट जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है तो बच्चा उन्हें पकड़ सके, और जो ऑर्थोपेडिकली है उन्हें बोर्ड के बिल्कुल सामने बिठाया जाए कि टीचर का भी ज्यादा ध्यान रहे। ऑब्स्ट्रक्टिव पोर्शन मतलब जो हमारे विकलांग बच्चों की जरूरतें हैं उनको, या फिर जो ऑब्स्ट्रक्ट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उनको रिमूव कर दिया जाए क्लासरूम से, जैसे एजेस हैं कॉरिडोर के,
जो शार्प है उन्हें हटा सकते हो, और ऐसे मोबाइल एड हम बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे मॉर्निंग असेंबली में लेके जा रहे हैं तो उनका गलियारा थोड़ा सा अलग बना दिया जाए, और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है जो आपके एग्जिस्टिंग क्लासरूम में या लाइब्रेरी में बच्चों को हेल्प कर पाए, कि जैसे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज है वो बच्चों को ऑन डेस्क भी दे सकते हैं हम, पर पहले कोशिश करनी है कि आप ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेंगे। So it is all about our today's topic. I hope आपको चीजें समझ आ गई होंगी। If you have any kind of query, so you can comment down and also don't forget to like and share. Keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye. Take care.